सो हेलो तुम गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग। तो गाइस आज फाइनली हम जा रहे हैं भाई भानगढ़। अभी रास्ते में है, सिर्फ आधे घंटे का रास्ता बाकी है। और भाई ये देखो भाई कितना सुंदर नजारा है। तो यहाँ पे मस्त रास्ते वगैरह भी है। ये रास्ता ना रात को बहुत ज्यादा डरावना लगता होगा। लोगों के मुताबिक भानगढ़ इंडिया की सबसे डरावनी जगह है। गाइस फाइनली भानगढ़ तो पहुंच गए हैं। ये एंट्री है, यहाँ से ऐसे टिकट लेके अंदर जाना पड़ेगा। गाइस फिलहाल भानगढ़ के तो अंदर आ गए हैं। और ये देखो भाई कैसे यहाँ पे टूटे हुए हैं ये छोटे छोटे घर। ओ भाई बंदरों की लड़ाई होगी। यहाँ पे ना भाई तीन चार रास्ते जा रहे हैं, कहीं भी भटक सकते हैं आप अगर कोई रात को आए तो। उधर भी टूटे फूटे घर दिख रहे हैं। ये देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं सामने से। सब भाग गए थे यहाँ से, सबकी छतें गिर गई थी तब से यहाँ पे छोड़ के भागे थे लोग। अरे क्या हाल हो रखा है यहाँ पे, किसी की दुकानें थी, किसी के घर थे, पूरा गांव खाली हो गया था। जो मेन अपना भानगढ़ का किला है वो आगे जाके है, और इधर भी एक रास्ता जा रखा है, गेट खुला हुआ है, पता नहीं क्या है यहाँ पे, अजीब सा ही रास्ता है। उसका टिफिन खोस लिया। गाइस यहाँ पे ना दीवार थी, ये देखो पूरी ना पेड़ से ढक गई, मतलब पेड़ की जड़ें आ गई यहाँ पे। ये देखो कितना खतरनाक पेड़ है। अगर रात को मतलब यहाँ पे कुछ हो भी ना तब भी कोई भी डर जाएगा यहाँ पे। क्या था रास्ते में लेट गया। गाइस लाल 5:30 हो गया है और अभी से कह रहे हैं कि भाई बंद हो जाएगा, जल्दी जाओ। अभी थोड़ा बहुत भी अंधेरा नहीं हुआ फिर भी कह रहे हैं जल्दी जाना पड़ेगा अंदर। कह रहे हैं भाई अंधेरे होने से पहले निकल जाना यहाँ से, ये और वो। गाइस फाइनली भाई एंटर कर गया भानगढ़ फोर्ट में। सामने किला है जो टूटा हुआ है और ये मंदिर है। अभी सामने ना किले में जा रहे हैं और देखता भाई कुछ महसूस होता है या नहीं होता। ये मंदिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, पर किले में जाते हैं पहले। मैंने सुना भाई सामने से ना बदबू भी आती है, सब बताते हैं बदबू आती है अंदर जाके। हमने गार्ड से बात भी करी थी कि रात को रुकने के लिए, वो कह रहा है कि ऐसे अलाउड ही नहीं है। किले के अंदर एंटर कर रहे हैं फाइनली। अभी अंदर घुस रहे हैं किले के। ये लोग हॉन्टेड बताते हैं, इसके आसपास का एरिया भी हॉन्टेड बताते हैं, मेनली ये वाला हॉन्टेड बताते हैं बहुत ज्यादा। तो इसी के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे ना भाई चढ़ चढ़ के थक गए हैं, अभी यूं जाना है। देखो भाई छोटी सी गुफा भी दे रखी है, चलें उसके अंदर। क्या है क्या है ये, क्या चीज है, खून है क्या ये, पता नहीं क्या है ये, कितनी खड़ी चढ़ाई है। गाइस ये पत्थर ऐसे ऐसे फिसल भी सकते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे ना गुफा है। ओ भाई जाओ किसके अंदर, बदबू आ रही है भाई यहाँ से, बहुत गंदी बदबू आ रही है। गाइस जल्दी आ जाओ, गाइस यहाँ पे घुटन हो रही है भाई, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है बहुत गंदी वाली। और गाइस ये देखो भाई यहाँ से कितना प्यारा नजारा दिख रहा है, दूर दूर तक का पूरे भानगढ़ का। आसपास ना कोई भी नहीं रहता यहाँ पे। हमारा ना टाइम तो ओवर हो चुका है, सभी निकल चुके हैं यहाँ से, बस हम ही अकेले हैं यहाँ पे। ओ भाई जाओ अंदर, गहरी डरावना लग रहा है। गाइस देखना आवाज भी गूंज रही है यहाँ पे। गाइस ये देखो यहाँ पे कैसा अंदर घुस के बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पे। सामने देखो भाई क्या है, वहाँ चले। देखो भाई लोगों ने क्या हाल कर रखा है यहाँ पे, अपने नाम वाम लिख के जा रखे है। चाचा तो घुस गए उसके अंदर। गाइस मतलब यहाँ पे ना ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर के बहुत डर लग रहा है, मतलब यहाँ पे आके दिन में भी लिटरली डर लग रहा है। गाइस यहाँ पे तो बहुत खतरा है। क्या हो गया, बहुत सारे चमगादड़ हैं, बहुत चमगादड़ है, मुश्किल से कुछ क्या है, बहुत सारे। ओ भाई गाइस ये देखो कितने सारे चमगादड़, अगर ये मुंह पे आ गए तो। गाइस कितने सारे चमगादड़, मतलब अगर ये आ जाए ना तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, बिल्कुल ऊपर टंगे हुए हैं ये। आवाज तो ऐसे भी आ रही चमगादड़ों की। क्या है क्या है, ओ भाई देख, ओ भाई कितने सारे चमगादड़, हम कहाँ भागेंगे चाचा एकदम आगे। तो ये चमगादड़ हमें जाने नहीं देंगे वहां तक। बहुत जलने की बदबू आ रही है, कोई टायर जल रहा है यहाँ पे, बहुत गंदी टायर जलने वाली स्मेल आ रही है, टायर जैसे कबाड़ा टायर वगैरह नहीं चलता। ओ भाई सैकड़ों चमगादड़ है, सैकड़ों। ये देखो गाइस सामने लंगूर बंदर भी है। गाइस फिलहाल हम छत पे आ गए हैं। ये देखो भाई यहाँ पे क्या हाल हो रखा है, यहाँ पे भी सभी की छत उड़ रखी है। देखो गाइस देखो भाई इसकी पूछ कितनी बड़ी। ये देखो भाई सामने वो मंदिर है जहाँ पे कोई नहीं जाता। अच्छा साधु की है वो कुटिया, अब वहाँ पे कोई नहीं रहता ना। अच्छा नगरी भस्म होगी पूरी, उन्हीं के श्राप से हुई थी ना। ओ भाई कैसे गया, ओ भाई उन्हीं के श्राप से ना मतलब ये पूरा खत्म हो गया था। यहाँ पे भूत भूत भी आते हैं, लोग कहते हैं भूत रात को रुकने नहीं देते भूत। भैया हम ना भूत देखना चाहते हैं, भूत दिख जाएंगे यहाँ पे रात, पक्का दिख जाएंगे। लास्ट टिकट हम ही लेके आए हैं, तो बंद ही कर दी यहाँ पे आना। वो कितना छोटा सा, ओ गाइस ये देखो जैसे कोई कार्टून मूवी देख रहे हैं ऐसा लग रहा है।
गाइस फिलहाल हम छत पे खड़े हैं, नीचे से टायर जलने की बदबू यहाँ पे भी आ रही है, जलने के महक। नहीं नहीं, यहाँ से महक किस बात की है? इस रूम का आ रहा है, पीछे जो रूम था ना। हाँ, इसका रूम मुझे भी पता नहीं चल रही है, ये महक आ रही है। जितना जल्दी है ना, इस टाइप की लग रही है, कुछ मरे हुए पहले का। तब की बदबू अभी तक है नीचे, जब उसके रूम के पास गए तो पूरा बदबू है। इतनी बदबू भाई, अंदर नहीं जा पा रहे, चमगादड़ है भाई। आ जा नीचे, आ नीचे। लिटरली बता रहा हूँ, मतलब मेरा ना यहाँ पे रात में रुकने का मन है। एक और रास्ता दिखाई दिया हमें गाइस, ये देखो मतलब अजीब सा ही लग रहा है दूर से दिखने में। गाइस दिन में भी डर लग रहा है, गाइस जैसे साइलेंस होता है ना, साइलेंस, उस साइलेंस में भी डर है यहाँ पे। रानी का नाम लिखा हुआ है, कितना होती है आवाज, देखो फील करके देखो। एक काम करते हैं, ये रूम चेक करते हैं यहाँ पे, उसमें कुछ अलग सा फील हो रहा है। टिक्का भी लगा रखा है गाइस, ये देखो शायद ये मंदिर है। लगता है ये क्यों, क्या छाप रखा है सामने गाइस, यहाँ पे ना डर लग रहा है अजीब सा, कानों में दबाव महसूस हो रहा है, मतलब इतनी ज्यादा शांति है यहाँ पे। गाइस ये ना भाई मंदिर सा बना रखा है, कुछ यहाँ से खुशबू आ रही है। गाइस ये देखो भाई किले के ऊपर ना, मतलब ऐसे गोल गोल चमगादड़ घूमे जा रहे हैं। गाइस फिलहाल हम किले के ऊपर बैठे हैं, सब मंदिर के पास है, सभी जा चुके हैं। हम ना भाई रिस्क वाले टाइम पे बैठे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में। देखो भाई इसमें ना मिठाई है, अब ना मिठाई खाएंगे यहाँ पे और भूतों को उकसाएंगे। कितने सारे बंदर लाइन में लग गया, ओ आ गया आ गया आ गया, मिठाई देख के आ गया तेरे पास। ओ भाई भाई मिठाई देख के आ गया तेरे पास, एक पीस दे दे इसको। नहीं नहीं, इसको एक को दे दिया तो सभी आएंगे फिर। गाइस तुम्हें एक चीज बताता हूँ, बहुत सही लग रहा था, आराम से घूम रहे थे, और अभी फिलहाल ना यहाँ सारे टूरिस्ट जा चुके हैं यहाँ पे, सिर्फ हम चार हैं। अब यहाँ थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, पैरों में ना रोंगटे से खड़े हो रहे हैं, और इन्होंने तो मिठाई भी खा ली यार। ये अंधेरा भी होने वाला है और कुछ सीन हो गया ना, गाइस जब गार्ड बुलाने आएगा ना तभी जाएंगे यहाँ से। डर लग रहा है तो सारे चले गए ऊपर, हमने मीठा खा लिया। गाइस यहाँ पे ना भाई धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया है और बहुत डर लग रहा है, अंधेरे का वेट कर रहे हैं। यही कोशिश कर रहा हूँ भाई मैं, कुछ कैप्चर हो जाए वीडियो में। टाइम ओवर हो चुका है यहाँ का, सारे टूरिस्ट जा चुके हैं और हम अंदर ही है, मतलब गार्ड भी नहीं आया हमें बुलाने। हमें लगा गार्ड बुलाने आता है इस टाइम पे, क्योंकि बंद हो जाता है इस टाइम पे किला। टांगों में फील हो रहा है जैसे कांपती नहीं टांगे, और यार बदबू कितनी गंदी आ रही है यार। हमने क्या रिस्क ले लिया, हम बांधगढ़ में आ गए रात को यार, एकदम डर लगने लग गया, मतलब सोचा भी नहीं था। आवाज आने लगी, सोचा था मैं। आवाज सुनो गाइस, सारे चुप हो जाओ। ओ भाई ओ भाई यार देख ना, पर सीन चेंज हो रहा है। एक तो ऊपर से हमने मिठाई खा ली यहाँ पे, और गाइस एक चीज देखो तुम, चमगादड़ बोलने लग गए इस टाइम यहाँ पे, बहुत तेज आवाज आ रही है। कुछ सामान तो नहीं भूल गए ऊपर, हम सिर्फ चार ही बंदे हैं। कुछ ना कुछ है, इस टाइम नेगेटिव एनर्जी है ना, मेरी गल बढ़ चुके हैं सारे, जा चुके हैं। एक एक चीज नोट करे तुमने, कितने लंगूर बंदर फेक भी होते बताओ। हाँ गाइस यहाँ पे ना लंगूर बंदर भी भाग चुके हैं इस टाइम, किले में से निकल के आए हैं गाइस हम। जैसे जैसे निकल के आए ना हमें पता भाई कितना डर लग रहा था, टांगों में अभी भी कंपन हो रही है। गाइस एक काम करते हैं, अभी ना गाड़ी के पास चलते हैं और गाइस रात होने का वेट करते हैं, दोबारा से थोड़ा मिठाई वगैरह खाएंगे और फिर नोटिस करेंगे कुछ है या नहीं यहाँ पे। और गाइस मैंने एक कमेंट पढ़ी थी, हमारी गैंग वाले भाई बोल रहे थे कि भाई भानगढ़ में ना परफ्यूम लगा के जाना, परफ्यूम लगाते हैं थोड़ी देर बाद, माहौल ही चेंज हो गया भाई रात को। गाइस मैं तो सोच रहा था कि पर्ची वगैरह कटी थी हमारी आते वक्त, तो गार्ड वगैरह भी आएंगे रात को बुलाने। टाइम ओवर हो चुका है, मतलब सब जा चुके हैं यहाँ से और कोई गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, मतलब सभी डरते हैं यहाँ पे आने से। ये देखो भाई पूरा सुनसान हो चुका है, सिर्फ हम ही हम चार बंदे हैं। ये चीज थोड़ी अजीब लग रही है कि गार्ड कोई भी नहीं आया। क्या हुआ, क्या 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 दिखाई दे रहा है ऊपर वाली खिड़की में, कुछ है ना, देखो कुछ नहीं दिख रहा। आज यकीन नहीं हो रहा, मैंने भानगढ़ ना इतनी हॉन्टेड, एशिया की टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, और आज यहाँ पे अकेले खड़े हैं, ये देख लो हम अकेले हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पे, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। गाइस यहाँ पे ना घुटन होनी चालू होगी एकदम, वो ब्लैक ब्लैक सा क्या है ना, कुछ खड़ा है ना उधर, इधर इधर देखो, रियलिटी में दिख रहा, फोन में दिख रहा है, ये देखो उधर देखो। निकल लो यार, तुम यार क्यों लेट कर रहे हो, ये तो रोंगटे खड़े हो रहा। अरे ये तो बहुत बड़ा रास्ता है, रियलिटी में कोई आवाज थी गाइस, अभी ना एक आवाज आई थी, रिकॉर्ड नहीं हो पाई। सच्ची बताऊं मतलब यहाँ ना बोलने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा मन कर रहा बाहर निकल जाओ बस चुपचाप, हम ना सीधे सीधा बढ़ने लग रहे हैं आगे। ये रास्ता तो बहुत लंबा है यार, खत्म क्यों नहीं हो रहा। गाइस देखो हम कितनी दूर से आए हैं, वो चोटी थी जहाँ पे ड्रोन भेजा था, लास्ट में किला है वहां से आए हम। अरे कितनी दूर है,
हमारे पैरों के साथ साथ ऐसे लड़की शोर के पैर की आवाज के पीछे लाइट तो लगानी चाहिए। हाँ गाइस एक बात है, मतलब यहाँ पे ना सरकार को लाइट लगानी चाहिए, पता है कोई भी फंस गया ना यहाँ पे तो मेरे को नहीं लग रहा वो सही सलामत बाहर वापस आएगा। मैं टीम की बात नहीं कर रहा, कोई अकेला फंस गया ना यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी उसको। गाइस ये देखो यहाँ से अंदर आए थे हम, यहाँ पे हमने गार्ड से पूछा था भाई हम ना 9 बजे तक रुकेंगे, रात को 9-10 बजे तक, तो बोला नहीं रुकना, अब है ही नहीं वो खुद यहाँ पे। गाइस फाइनली भाई गाड़ी के पास पहुंच गया, अरे हमारे भैया हमारे साथ में आए थे। भैया यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे सब भूत भूत बताते रहते हैं। हाँ यहाँ पे ये बहुत पुराना खंडर है, करीब 600 साल पहले बनवाया था राजा ने। हाँ जयपुर से ही हो? हाँ। क्या भूत भूत का सच में सिस्टम है क्या? हाँ बिल्कुल है। रात में आ जाते हैं? रात के टाइम तो एंट्री नहीं है। और जो यहाँ पे बालाजी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे सुबह है ना कोई नहीं रहता, लेकिन सुबह वहाँ पे पूजा हुई भी मिलती है पहली ऑटोमेटिक। अंदर ना रात को बिल्कुल ताला लग जाएगा, और यहाँ पे कह रहे सच में भूत आते हैं रात को। कई लोग कहते कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं कैसे नहीं है, किसी ने देखे यहाँ पे भूत? देखने वालों ने खूब देखा। गाइस फिलहाल गाड़ी में आ गए, जो एंट्री वाला गेट है ना उसके बाहर ही खड़े हैं। ये पूरा एरिया हॉन्टेड बताया है। तो गाइस हम ना भाई रात तक रुकेंगे यहाँ पे, सेंट वगैरह मार के देखेंगे, मिठाई वगैरह खाएंगे, भूतों को उकसाएंगे, पूरा ट्राई करेंगे कि भाई हमें कुछ दिख जाए, कुछ दिख गया तो यहाँ से भाग लेंगे, और नहीं दिखा तो फिर तो मैं दिखाई दूंगा, मैं कुछ नहीं है यहाँ पे। गाइस फिलहाल ना भाई बदबू आने लगी है बहुत ज्यादा, जो बदबू अंदर आ रही थी ना वही बदबू यहाँ पे भी आने लगी टायर जलने की। यहाँ तक कैसे आ गई पता नहीं, यहाँ पे कैसे आ रही है। अरे यार गाइस हमें भाई 2 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े खड़े, अभी तक कुछ भी नजर नहीं आया ऐसा, बस कीड़े बहुत दिखे गाइस, कितने सारे कीड़े हैं यहाँ पे, कीड़े बहुत सारे यहाँ पे चिपट रहे हैं शरीर के। अभी फिलहाल ना दीवार तक जा रहे हैं, परफ्यूम भी मारेंगे और मिठाई भी खाएंगे। ये देखो गाइस परफ्यूम मार लिया है, अरे बहुत ज्यादा मार लिया, खुशबू आ रही है। गाइस अभी ये सोन पापड़ी खा रहे सब मिलके, और अभी देखते हैं भाई भूत आएगा नहीं आएगा, क्या हो गया। गाइस ये भानगढ़ी दीवार आ गई है, एशिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पे आ रखे हैं, और इतनी रात हो रखी है, और गाइस भूतों को चैलेंज कर रहे हैं आगे से। कौन था? कुछ आवाज सुनी? किसके ऊपर आवाज आ रही है? गाइस इसने ना भाई मिठाई भी खा रखी है, सैंड भी लगा रखा है, वैसे तो सबने लगा रखा है। यहाँ पे भाई शांति बहुत ज्यादा है, बस कीड़ों की आवाज आ रही है, कुछ आई नहीं रही। गाइस ये देखो भाई पूरी यहाँ पे पता नहीं कैसी रेंज आने लगी है, ये देखो इतनी सारी गायें, रास्ता रोक रखा है भानगढ़ का। आवाज सुनी अपनी आवाज सुनी। गाइस फिलहाल 2 बजे से ऊपर टाइम हो गया है, और अभी ना घर की साइड जा रहे हैं, जब से मतलब भानगढ़ से भाग के आए हैं ना अजीब सा फील हो रहा है। गाइस उधर से ना अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे घुंघरू ऑयल या फिर कुछ भी स्टील वाली चीजें, ऐसी कुछ आवाज आ रही थी। अब थोड़ा सा रिलैक्स सा महसूस हो रहा है ना। भाई सुबह के 5 बजे के आसपास जाके घर पे पहुंचा जाएगा, अभी मैं सीधा जाके पापा के साथ सोऊंगा सीधा, क्योंकि अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, पापा के साथ ही सोया जाएगा। गाइस फिलहाल ज्यादा टाइम हो गया है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निको का। सो थैंक यू सो much, bye and take care.